बुद्धिमान किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त रोगी महाराष्ट्र में मुंबई, अकोला, पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। क्या होता है कि हम काफ़ी सारी गलतियाँ करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि गलतियाँ करते हैं और सीखते नहीं हैं, और वो बार 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 गलतियाँ करते जाएंगे और सीखेंगे भी नहीं। उनको मूर्ख बोलते हैं कि आप बार बार गलती कर रहे हैं और सीख नहीं रहे, और बार बार फिर वैसी गलती करते जा रहे हैं। ऐसे लोग मूर्ख है, मूर्ख तो है ही, या फिर उनका दिमाग कम होगा, क्योंकि बुद्धि कम है, या कोई सीखने की इच्छा नहीं, कोई करने की इच्छा नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं है, और गलतियां करते रहेंगे, सीखेंगे भी नहीं। मतलब जो अतीत में गलती की है वो फिर से दोहराते जाएंगे। कुछ लोग जो है वो अपने गलतियों से सीखते हैं, जो पास्ट में हुआ, अतीत में हुआ, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित न होते हुए, उसका अपने जीवन के ऊपर परिणाम न करते हुए, जो सीखने लायक है वो सीखो और उसका इस्तेमाल करके आगे कुछ तो भी नया करो। तो जो अपने गलतियों से सीखते हैं उनको बोलते होशियार है, क्योंकि अपने गलतियों से सीखना अच्छा है और लोग सीखते भी है। मगर देखिए, जिंदगी इतनी छोटी है कि आप गलतियां करते बैठेंगे सीखते जाएंगे तो फिर तो ऐसी इसमें दिन चले जाएंगे। एक्चुअली हमको ये करना है कि भाई लोगों की गलतियों से सीखो, लोग गलतियां करते हैं वहां से सीखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। हम ही काम करेंगे, हम गलतियां करेंगे, सीखेंगे, फिर अगले बार कुछ तो भी नया लाएंगे। जिंदगी इतनी बड़ी थोड़ी है। तो जो लोगों के गलतियों से सीखते हैं उनको बुद्धिमान कहते हैं, कि वो बुद्धिमान है, तो हमको बुद्धिमान बनने का है। अब इसमें ऐसा भी होता है कि लोग गलतियां करते हैं, लोग वहां से हमने सीखना चाहिए और हम बुद्धिमान बनना चाहिए, मगर उससे अपने को आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे आजू बाजू में लोग गलतियां करते, सीखते जाओ, उन्होंने कहां गलतियां किया, उनको कहां असफलता मिली, वहां से सीखो, वो अपने इसमें आजमाओ। तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमको उसके लिए लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, उनको कहां असफलता आई, कहां उन्हें शेयर किया है वो, तो ये सब सीखना पड़ेगा। उसके लिए आँख और कान खोल के और हरदम स्टूडेंट रह के, विद्यार्थी बन के, कि वह सीखने वाला, वो यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेंगे। तो जिंदगी छोटी है, लोगों की गलतियों से सीखो और बुद्धिमान बनो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।